मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने भी अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रेपरेशन में कंप्लीट कर लिया था, कौन कौन से रिएक्शन, कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्केन, सेकेंड हम स्टार्ट किए थे कौन सा रिएक्शन भाई, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। आइए बात करते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल तो फर्स्ट रिएक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, उसमें हमने एग्जांपल भी कंप्लीट कर लिए थे। आइए सेकंड देखते हैं। तो सेकंड रिएक्शन इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। आइए बात करते हैं भाई ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन के बारे में। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। यहाँ पे जो आपका रिएजेंट रहेगा दैट इज एडिशन ऑफ वाटर, दिस इज द एडिशन ऑफ वाटर। कौन कौन से रिएजेंट थे यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और वाटर का एडिशन कर दिया भाई यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट। और सेकेंड यहाँ पे NaBH4 हम लोग यूज करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड ठीक है, सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं आप लोग THF, तो सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे THF। तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है भाई कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द प्रोडक्ट इन दिस केस? प्रोपेन टूल। प्रोपेन टूल यही बनाए होगा, यही बनाएंगे क्या? यस ठीक है, यही बनेगा बच्चों प्रोपेन टू ओल, यही प्रोडक्ट देखा था हम लोगों ने यहाँ पे। आइए इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं कि ये रिएक्शन होता कैसे है भाई। तो आइए वन बाय वन स्टेप को देखते हैं यहाँ पे। तो मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये रिएक्शन होता तो कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से है, लेकिन यहाँ पे फ्री कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, साइक्लिक मर्क्यूरस आयन। देखिए कैसे बनता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HG OAC OAC। OAC का मतलब जानते हैं अभी, व्हाट इज OAC? एसीटेट ग्रुप। एसीटेट ठीक है, एसीटेट मतलब CH3 CO नेगेटिव, और एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, जो वीक बेस होते हैं वो अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं बच्चों ठीक है। आइए बात करते हैं कैसे होता है रिएक्शन, वन बाय वन सभी स्टेप को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप लोग मैकेनिज्म को ध्यान से देखना, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा तो इधर आएगा नेगेटिव चार्ज, इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये सारे के सारे स्टेप ये एक साथ हो जाते हैं। ये नेगेटिव चार्ज मूव करा इधर और ये OAC लीव कर जाएगा यहाँ से। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या बनेगा इस केस में, इस केस में बन जाएगा भाई CH3 CH प्लस CH2 एंड दिस इज HG OAC।
ठीक है, ये बनता है। लेकिन ये जो मैं दो स्टेप में लिख रहा हूँ एक साथ होते हैं भाई। जैसे ये OAC यहाँ से लीव करता है, HG अपने लोन पेयर क्या करता है, इस कार्बोकेटाइन को डोनेट कर देता है। तो यहाँ पे आपके पास एक साइक्लिक कार्बोकेटाइन बनता है बच्चों यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया, CH3CH CH2 HG, और इस HG के साथ कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, OAC। HG के ऊपर आ गया बच्चों पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया यहाँ पे भी, 3-membered साइक्लिक मर्क्यूरस कार्बोकेटाइन। ठीक है, दिस इज 3-membered साइक्लिक मर्क्यूरस कार्बोकेटाइन, साइक्लिक कार्बोकेटाइन। अब साइक्लिक कार्बोकेटाइन बन रहा है बच्चों यहां पे, ठीक है, साइक्लिक कार्बोकेटाइन बन रहा है यहां पे, तो जो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती थी वो यहां पे खत्म हो चुकी है, जो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी थी वो यहां पे खत्म हो चुकी है। आइए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास CH3 CH CH2 HG OAC वाटर। वाटर किसकी तरह काम कर रहा है यहां पे, अभी वाटर किसकी तरह काम कर रहा है यहां पे, न्यूक्लियोफाइल की तरह। किसकी तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब आपके पास बच्चों दो पॉसिबिलिटी है यहां पे अटैक करने की, एक यहां पे अटैक करे, दूसरा यहां पे अटैक करे। तो कौन सा अटैक कराएंगे आप भाई, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से या लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से? मोर सब्स्टिट्यूटेड वाटर, यस, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से प्रोडक्ट, मोर सब्स्टिट्यूटेड अटैक कराएंगे। और दूसरा एक और चीज, जिस साइड से आपका ये साइक्लिक कार्बोकेटाइन बना है न्यूक्लियोफाइल, उसके बैक साइड से आके अटैक करेगा। तो किस तरह की एडिशन होने वाली है यहाँ पे वाटर की भाई, एंटी एडिशन, ठीक है, एंटी एडिशन होने वाली है, एंटी एडिशन होने वाली है वाटर की। और दूसरा, दूसरा भी कहाँ पे अटैक होगा, अटैक विल टेक प्लेस एट मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। ये पॉइंट आपको लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो अटैक न्यूक्लियोफाइल दैट इज वाटर विल अटैक एट मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात, क्लियर है भाई? तो अब देखिए यहां पे वाटर ने यहां पे अटैक किया, ये यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और मर्करी के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये बन गया बच्चों मेरे पास CH3 CH OH। मैंने डीप्रोटोनेशन भी यहीं पे करा दिया भाई, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे डीप्रोटोनेशन भी हो जाएगा, वो भी मैंने यहीं पे करा दिया। तो ये बन गया आपके पास CH एंड दिस CH2 HG OAC। अब ये जो बच्चों आपके पास कार्बन मर्करी का बॉन्ड होता है, दिस इज जनरली ए वीक बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड होता है भी, वीक बॉन्ड, तो इजिली ब्रेक हो जाएगा। तो NaVH4 के साथ जब आप इसको रिएक्ट करेंगे, NaVH4 इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा एजेंट है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो NaVH4 यहां पे अटैक करेगा, किस तरह से अटैक करेगा आइए देखते हैं। CH3 CH CH2 HG OAC, यहाँ पे अपने पास OH, और यहाँ पे हमने NaBH4 के साथ रिएक्शन कराया, NaBH4 के साथ हम लोगों ने यहाँ पे रिएक्शन कराया, तो यहाँ पे अटैकिंग एजेंट कौन होगा भी रिड्यूसिंग एजेंट में, हाइड्राइड आयन। कौन होगा भी, हाइड्राइड आयन, जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं दे विल गिव हाइड्राइड आयन। तो NaVH4 यहां पे
रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब हमारा अटैकिंग रिएजेंट जो होगा यहाँ पे हाइड्राइड आयन। ये हाइड्राइड आयन गया, इसने अटैक करा इस कार्बन के ऊपर और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा इधर CH3CHOH एंड दिस इज CH3। तो ये बन गया आपके पास फाइनल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट बन गया जो आपके पास दिस इज प्रोपेन टूल। ठीक है, क्लियर है भाई ये मैकेनिज्म बच्चों, हम पहले भी बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर कर चुके हैं, अब तो किसी को कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए इसमें। क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? यस सर। ठीक है, चलिए आइए इसमें प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, इसमें प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं भाई। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक इसकी करैक्टरिस्टिक्स बताइए मुझे भाई, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं? सबसे पहले तो आपको रिएजेंट याद रखना है, कौन कौन से रिएजेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं। दिस इज जनरली एडिशन ऑफ वाटर, मर्क्यूरिक एसिटेट, सोडियम बोरोहाइड्राइट, ये रिएजेंट आपको याद रखने हैं। यहाँ पे ये रिएक्शन इज प्रोसीड बाय साइक्लिक कार्बोकेटाइन, सो नो रीअरेंजमेंट टेक प्लेस। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे और केस में फ्री कार्बोकेटाइन बनता था, वैसा कार्बोकेटाइन यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों आप सीधा एडिशन कौन से रूल से करा सकते हैं, जब रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो मार्कोनिकोफ रूल को आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। मार्कोनिकोफ रूल में यहाँ पे कोई लिमिटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो ही नहीं रहा है। हो गया भाई ये, बोलो। यस सर। ठीक है, तो जो मेन पॉइंट थे हम लोगों ने कल लिख लिए थे, डिस्कस कर लिए थे, आइए कुछ प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पे। आइए कुछ प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट प्रॉब्लम है मेरे पास प्रोपेन, और मैंने बच्चों प्रोपेन का रिएक्शन कर दिया किसके साथ, यहां पे मैंने ले लिया D2O Hg OAC NaVH4 THF। सेकेंड यही प्रोपेन मैंने ले लिया और इसका रिएक्शन मैंने कर दिया यहां पे H2O के साथ ठीक है, NaVD4 यूज कर दिया मैंने यहां पे, और जो भी THF सॉल्वेंट आपको यहां पे यूज करना है। नेक्स्ट मैंने ले लिया भाई यहां पे तो बनाओ प्रोडक्ट सभी जल्दी से और मुझे बताओ फर्स्ट वाले केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा। फर्स्ट वाले केस में CH3CHOD CH3 यही बनेगा क्या? CH3CHOD CH3 यही प्रोडक्ट बनेगा, बोलो बच्चों यही बनेगा क्या? ठीक है, वेरी गुड। सेकंड वाले केस में प्रोपेन टूल CH3CHOD CH2D यस CH3CHOH CH2D यही बनाया क्या है भाई? Yes. यही प्रोडक्ट बनाया क्या, सब बोलो यही बना भाई?
नेक्स्ट केस में, लास्ट केस में बच्चों मुझे बताओ, इसको मैं ए कार्बन बोल देता हूं, इसको मैं बी ग्रुप बोल देता हूं, तो कौन सा ग्रुप कहां पे ऐड किया जाए भाई? ओएच ग्रुप ए। ओएच ग्रुप ए पे। यस, H2O बच्चों, H2O किस चीज का सोर्स होता है? OH का, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है यहाँ पे D हमने यूज किया है, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? D माइनस, तो D माइनस B पे जाएगा, OH आपका A पे जाएगा, यही प्रोडक्ट बनाया क्या सबने? Yes, sir. यही बनाया क्या, बोलो? Yes. ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट केस में, ठीक है, कर लेंगे अब भाई, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी को? हो जाएगी प्रॉब्लम? नेक्स्ट है बच्चों थर्ड, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन HBO, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहां पे कौन कौन से रिएजेंट हम यूज करेंगे एक बार लिख लेते हैं, याद है किसी को कौन कौन से रिएजेंट यूज होते थे भाई यहां पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में? है याद? फर्स्ट BH3, बोरेन या डाइबोरेन भी लिख सकता है भाई, बोरेन इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट DHF, सेकंड H2O2 इन बेसिक मीडियम, यही रिएजेंट होता था क्या? दिस BH3 इज द सोर्स ऑफ किसका? यस, हाइड्रोजन। H2O2 इज द सोर्स ऑफ OH, ठीक है। सेकंड, कौन सा रूल फॉलो होगा बच्चों यहाँ पे? एडिशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, एडिशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, यही होता है क्या? ठीक है, एडिशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, मीन जो नेगेटिव पार्ट होगा अटैकिंग रिएजेंट का वो वहां पे ऐड होगा, उस डबल बॉन्ड कार्बन पे ऐड होगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, क्लियर है बस? साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट विल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट, नो कार्बोकेटाइन विल फॉर्म, तो रीअरेंजमेंट हो पाएगी बच्चों अगर कार्बोकेटाइन नहीं बन रहे तो? नो रीअरेंज नहीं हो पाएगी, ठीक है, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? ठीक है भाई, ये पॉइंट, ये पॉइंट सबको समझ आए। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं कि ये रिएक्शन होता कैसे। चलिए, अगर मेरे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिमेट्रिकल मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज इथीन, इवन नंबर ऑफ एल्कीन सिमेट्रिकल, ऑड नंबर ऑफ जो कंपाउंड होते हैं उनको अनसिमेट्रिकल बोलेंगे। तो ये बन जाएगा इधर मेरे पास क्या है, कौन कौन से रिएजेंट है भी? B2H6 या BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ THF, सेकेंड रिएजेंट है यहाँ पे H2O2 इन बेसिक में। तो अगर मैं ये दोनों रिएजेंट मैं यहाँ पे ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट? इथेनॉल। इथेनॉल, वेरी गुड।
क्या बन जाएगा? इथेनॉल बन जाएगा भाई, यस सर, यही बनेगा। सिमिट्रिकल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, लेकिन अनसिमिट्रिकल जो होगा उसमें देखते हैं क्या बनेगा। अनसिमिट्रिकल जो होगा उसमें देखते हैं क्या बनेगा। आइए देखते हैं, प्रोपेन लो बच्चों, CH3 CH double bond CH2, दैट इज प्रोपेन। और अगर मैं यहां पे ये सेम रिएजेंट ऐड कर दूं तो आपके पास B2H, ये किसका सोर्स है? हाइड्रोजन का। और H2O2 किस चीज का सोर्स है? हाइड्रोक्साइड का। तो ये कहां पे ऐड होगा अभी? नेगेटिव पार्ट इधर, ये इधर ऐड हो जाएगा, प्रोपेन वन ऑल। क्या बन जाएगा? प्रोपेन वन ऑल, वन ऑल, वेरी गुड, प्रोपेन वन ऑल, प्रोपेन वन ऑल ही बनेगा। ठीक है, तो दिस प्रोपेन वन ऑल इज अवर मेजर प्रोडक्ट इन दिस केस। ठीक है, आइए इसका भी मैकेनिज्म दिखा देते हैं आप लोगों को कि एक्चुअल में रिएक्शन होता कैसे है। तो ये रिएक्शन होता कैसे है बच्चों, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम देख लेते हैं यहां पे। सबसे पहले CH3 CH double bond CH2। ठीक है, अब बच्चों ये जो मेरे पास BH3 होता है, मैं इसको ओपन करके ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, इधर आ गया नेगेटिव, इधर आ गया पॉजिटिव। बोरोन और हाइड्रोजन में इसके ऊपर है डेल प्लस चार्ज, इसके ऊपर है डेल माइनस चार्ज। तो एक बात बताओ मुझे, ये हाइड्राइड कहां पे ऐड होगा? बीच वाले कार्बन पे या टर्मिनल कार्बन के ऊपर? बीच वाले कार्बन पे ये जाएगा इधर ऐड होने बच्चों, और ये अटैक नेगेटिव चार्ज आया इधर, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा पॉजिटिव के ऊपर। क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? ये हाइड्राइड जाएगा इधर अटैक करने, ये पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अब नेगेटिव कहां पे अटैक करेगा? जहां पे इसको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। ठीक है, क्या ये पहला स्टेप समझ आया? तो आपके पास क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे एक साइक्लिक 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। किस तरह से? देखना, CH3 CH CH2 और ये H, और ये अपने पास BH2, और ये अपने पास इस तरह से, और ये बॉन्ड यहाँ पे धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट हो जाए। तो देख लीजिए, आपके पास ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है और ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। ना तो न्यू बॉन्ड पूरी तरह से बन पाते हैं, ना ही पुराने बॉन्ड कंप्लीटली डिसोसिएट हो पाते हैं। तो आपके पास ये ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो गया, मतलब इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। ये क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये क्या हो रहा है? बॉन्ड ब्रेकिंग, मतलब ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे नए बॉन्ड बन जाएंगे। तो नए बॉन्ड कौन से बनेंगे मैं देखता हूं, यहाँ पे नए बॉन्ड कौन से बनेंगे? तो आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों, इधर CH3 CH2 and CH2 BH2, यही बन जाएगा क्या? बोलो, यही बनेगा है भाई, यही बनेगा क्या? Yes, ठीक है, तो ये बन गया आपके पास फर्स्ट स्टेप में। अब देखिए इधर क्या होता है, टेट्रा एल्काइल बोरेन बनता है यहाँ पे। कैसे बनता है देखिए, CH3 and this is CH और
CH2 and this is BH2. इसको हम फिर से रिएक्ट करेंगे एक मोल प्रोपीन के साथ, तो क्या होगा बच्चों, एक और हाइड्रोजन यहां से कम हो जाएगा, यहां पे ऐड हो जाएगा और ये BH ग्रुप आपका यहां पे ऐड हो जाएगा, यही तो होगा भाई। एक हाइड्रोजन जैसा सेम केस ऊपर हुआ है, ये B और H को ऐसे करके देखिए, इसको जैसे यहां पे था वैसे यहां पे होगा। ये B और H के बीच का जो एक बॉन्ड है, ये एक H जाके यहां पे बीच वाले कार्बन पे चिपक जाएगा और ये वाला बोरोन इस CH2 के ऊपर चिपक जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा अभी कोई मुझे बता सकता है? इधर बन जाएगा आपके पास CH2 BH एंड 2 टाइम बन जाएगा क्या? है भाई? Yes. बनेगा क्या? ठीक है, ये बनेगा, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखो, ट्वाइस एंड दिस इज BH। ये बनेगा क्या, बोलिए भाई सभी बच्चे बोलो। ये जो B और H के बीच का बॉन्ड है, इसको ऐसे देखो, ये H गया इधर अटैक करने और ये B गया इधर अटैक करने, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा भी, ये एल्काइल ग्रुप आपका 2 टाइम हो जाएगा, प्लस यहां से इस BH2 से एक और हाइड्रोजन कम हो जाएगा, क्या यहां पे BH रह जाएगा? बोलो, यही बनेगा। yes. ठीक है, अब नेक्स्ट केस में एक और हमें रिएक्शन तब तक करते जाएंगे जब तक यहां पे इस बोरोन पे एक भी हाइड्रोजन ना बचे। तो नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा बच्चों, CH2 दिस इज होल ट्वाइस BH और इसको बच्चों मैंने फिर से एक प्रोपीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर दिया, तो H कहां पे ऐड होगा, मिडल वाले कार्बन पे। बी कहां पे ऐड होगा, टर्मिनल कार्बन पे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, इधर टेट्रा एल्काइल बोरेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, टेट्रा एल्काइल बोरेन CH2 होल थ्राइस बी। क्या यही बनेगा, बोलो भाई सभी बच्चे बोलो। yes, sir. ठीक है, तो इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है टेट्रा एल्काइल बोरेन। सर ट्राई एल्काइल होगा ना? हाँ, क्या बोल रहे हो? अच्छा, यहाँ पे प्रोपाइल है, टेट्रा प्रोपाइल बोरेन, यही बोल रहे हो क्या? ट्राई प्रोपाइल ट्राई बोरेन, बोरेन तो एक ही है ना? अच्छा, आप लोग बोलना चाहते हैं ट्राई एल्काइल बोरेन, ये बोलना चाहते हैं क्या? ठीक है, ट्राई एल्काइल बोरेन। आपका एल्क पार्ट कौन है भाई, यहाँ पे प्रोपाइल कौन है? प्रोपाइल ही तो है, CH3 CH2 CH2, प्रोपाइल ही बोलेंगे क्या इसको? CH3 CH2 CH2, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपाइल ही तो बोलेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, ट्राई प्रोपाइल बोरेन। यहां तक समझ आया, ये पहला स्टेप हुआ है भाई। देखो इस रिएक्शन के नाम को ध्यान से देखो, हाइड्रोबोरेशन मीन एडिशन ऑफ बोरेन दैट इज BH3। दो स्टेप में हो रही है रिएक्शन, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अभी हमने कौन सा स्टेप कंप्लीट किया है, फर्स्ट, अभी हमने सिर्फ BH3 का एडिशन किया है, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन का मीनिंग होता है बच्चों एडिशन ऑफ बोरेन, क्या मीनिंग होता है, आपकी आवाज गई सर।
बच्चों वेट करो वेट करो, संतोष जी आपका आवाज नहीं आ रहे। बच्चों मेरा आवाज आ रहा है क्या? यस सर। एक मिनट वेट, एक मिनट, संतोष जी आपका आवाज नहीं आ रहा, एक बार चेक करो। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को भी? Yes, sir. आप लोग भाई इस चीज की कंप्लेन कर सकते हैं क्योंकि ये डेली प्रॉब्लम आती है बच्चों। हमारी मीटिंग डेली 8:25 और 8:30 के बीच में डिसकनेक्ट होती है और मैं दो तीन बार उनको बोल चुका हूँ, आप लोग भी अब बोल सकते हैं। ठीक है, ये डेली डेली इसी टाइम पे डिसकनेक्ट होती है तो आप लोग बोल सकते हैं। तो क्या याद समझ आया? ट्राई अल्काइल बोरेन है भाई अपने पास, ट्राई अल्काइल बोरेन है बच्चों अपने पास। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir. ये बन गया आपके पास ट्राई अल्काइल बोरेन। तो ये फर्स्ट स्टेप क्या हो गया भाई? अभी तक हमने कौन सा स्टेप कंप्लीट किया? हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ बोरेन, दैट इज BS3। सेकंड स्टेप क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं? कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो मैं ट्रिक बताता हूं आपको, मैं आप लोगों को यहां पे। क्या करना है अपने को? H2O2, H2O2 को इस तरह से लिख लीजिए, OH, इसको ऐसे ब्रेक कर दो बीच से, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? कितना है भाई? 3। कितना है? 3। तो ये भी कितना लेना पड़ेगा आपको? H2O2 भी 3। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास? 3 मोल ऑफ CH3 CH2 CH2 OH, यही बनेगा, बोलो। ठीक है, यस। प्लस क्या बन जाएगा? BOH थ्राइस, बोरिक एसिड बन जाएगा क्या? बोरिक एसिड बन जाएगा साथ में। तो जब आप ट्राई अल्काइल बोरेन बना देंगे उसके बाद बच्चों आपको इसको इस तरह से ब्रेक करना है, एक आधा एक OH वाला पार्ट इधर, एक OH वाला पार्ट इधर, एक OH आपको अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच कर देना है और दूसरा OH आपको बोरोन के साथ अटैच कर देना है। तो एक बन जाएगा आपके पास अल्कोहल और दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों आपके पास, इसका नाम क्या होगा भाई? बोरिक एसिड। ये कैसा एसिड होता है बच्चों? मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक? मोनोबेसिक। लेकिन ये बेसिसिटी कैसे शो करता है? जब ये वाटर से हाइड्रोक्साइड आयन को एक्सेप्ट करता है उसके बाद एच प्लस रिलीज करता है, याद है क्या? है भी? यहाँ पे ये क्या करता है? यहां से OH आयन एक्सेप्ट करता है उसके बाद H प्लस रिलीज करता है। ये स्टेप भी ध्यान रखना है आप लोगों को। कितना H प्लस रिलीज करता है बच्चों? ये 1H+। कैसा एसिड है? लुईस मोनोबेसिक वीकली लुईस एसिड। याद है, क्लियर है? ठीक है भाई, सब बच्चों को क्लियर है बात? ये रिएक्शन कैसे हो रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है यहां पे? 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है और जो भी रिएक्शन बच्चों साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से होते हैं उनका स्पीड काफी अच्छा होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे और ये एक बार एम्स में ये पूछा भी जा चुका है कि ये जो आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इसमें कितना मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनता है,
तो फोर मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। क्या ये बात समझ आई सब बच्चों को? है भाई, चलो जल्दी से चले आगे, हो गया? यस। चलिए फिर प्रॉब्लम देखते हैं। तो आप लोग बताना मुझे यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस BD3, आपको जैसे मर्जी क्वेश्चन दे दे, मैं हर टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को बताया है। अब आपको बस कॉन्सेप्ट अप्लाई करने आना चाहिए भाई। VD3 इन प्रेजेंस ऑफ THF सेकेंड H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम बेस। तो प्रोडक्ट बनाते जाइए, फिर हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन सबको। सेकेंड मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस VH3 इन द प्रेजेंस ऑफ THF और यहाँ पे H2O2। अगर THF नहीं भी लिखा है तो आप मान के चलेंगे कि वहां पे THF गिवन है, ठीक है? सॉल्वेंट के बिना तो बच्चों रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा। सॉल्वेंट वो मीडियम होता है जिसमें रिएक्शन होती है, तो नहीं भी लिखा है तो आप मान के चलेंगे कि वहां पे है। इसी तरह यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ भाई, प्रोडक्ट बनाते जाएंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट है मेरे पास तो आइए डिस्कस करते हैं। सभी बच्चे अपने माइक को अनम्यूट कर दें और बताएं मुझे फर्स्ट वाले केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा। CH3CH2CH2OH यस, तो आपके पास बन जाएगा बच्चों CH3CH2D, यही बनाया क्या? CHOH, वेरी गुड, ठीक है, यही बनाया सब बच्चों ने। CH3CH2D CH2OH यही प्रोडक्ट बनाया, बोलिए सभी, ठीक है। सेकंड वाले केस में बताओ भी क्या प्रोडक्ट बनेगा। डी की जगह OH, CH3CH2CH2OH, यस वेरी गुड। CH3CH2CH2OD यही बनाया क्या सबने? यस सर, यस, ठीक है। नेक्स्ट वाले केस में बताओ भाई क्या बनाया, कहाँ पे अटैच करूं, क्या यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट तो नहीं करा रहे भाई? कहाँ पे? ए को मैं ए बोल देता हूँ, ए को मैं बी बोल देता हूँ, कौन से ग्रुप को कहाँ पे ऐड करूं भाई? OH को बी पे, OH, यस वेरी गुड। OH को V पे और H को A पे, यही बनाया भाई। बाकी बच्चों ने भी, बाकी बच्चे बोलो। यस सर, ठीक है। वन डिग्री अल्कोहल मैक्सिमम केस में, एक और पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो इसमें बच्चों वन डिग्री अल्कोहल ही रहेगा एलिफैटिक के केस में, ठीक है। लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहाँ पे, लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे बताओ मुझे भाई, इस वाले केस में इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ, तो कौन से ग्रुप को कहाँ पे अटैच करूँ? ए पे कौन सा ग्रुप आएगा, एच या ओ एच? एच आ जाएगा।
और बी पे कौन सा ग्रुप आएगा? OH. यही बनाया क्या? अगर मैं H2O2 की जगह D2O2 कर दूं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? OH की जगह OD. OH की जगह क्या जाएगा? OD आ जाएगा. बस यही चीजें समझानी थी आप लोगों को. D2O2 OD, ये सबको समझ आ चुका है क्या? ठीक है भाई, यही बनाया सबने? बोलो, यही बनाया सब बच्चों ने क्या? बोलो जल्दी से. यस सर. चलिए तो नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो नेक्स्ट फोर्थ इंपॉर्टेंट मेथड. अब आज हम एक नया रिएक्शन सीखने जा रहे हैं बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के. अभी तक हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कौन से रिएक्शन पढ़े हैं भाई? एसिड बेस रिएक्शन. आज आप एक नया रिएक्शन सीखने जा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का. पीछे वाला स्लाइड चाहिए किसी बच्चे को? चलिए फिर से बताइए. इससे पीछे बोल देना भाई कौन सा चाहिए. हाँ सर, ये चाहिए क्या? यस सर. चलो लिखो इसको. मैकेनिज्म. मैकेनिज्म लो भाई. तो आज हम एक नया रिएक्शन देखने जा रहे हैं. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है बच्चों, ये आपका बेस की तरह भी काम करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है. जब ये बेस की तरह काम करता है तो इस ये जहां पे भी इसको एसिडिक प्रोटॉन मिलता है वहां से उस एसिडिक प्रोटॉन को खाएगा. लेकिन जब इसको कहीं पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मिल जाएगा तो ये किसकी तरह काम करेगा भाई उस केस में? न्यूक्लियोफाइल की तरह. न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा भाई. तो आइए आज हम इसकी न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज की हेल्प लेने वाले हैं. जो भी हमारा रिएक्शन है हो गया? हो गया भाई? यस सर. ये वाला बाकी तो नोट कर लिया था आपने? चलो आगे. है भाई आगे चलू क्या? यस सर. चलिए तो सर. यस, ये फिर से बताइए सर. कौन से वाला? लास्ट. हाँ सर. ओके, देखो अगर आपके पास, आपको इतना तो पता चल गया होगा कि यहाँ पे दिस बी एच थ्री ये किस चीज का सोर्स है? एच का. ठीक है. और ये डी टू ओ डी ये किस चीज का सोर्स है? यहाँ पे ओ डी माइनस. यहाँ पे ओ एच लिखा होगा तो कंफ्यूज मत हो जाना. ओ एच लगा के आ गए उधर. ओ एच नहीं लगाना है आपको वहां. ठीक है. तो ये किस चीज का सोर्स है? ओ डी का. अब आप यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो कराओ? एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल. एंटी मार्कोनिक. ठीक है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल. तो एंटी मार्कोनिक ऑफ में देखिए, ये जो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन पे एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक पाई बॉन्ड. तो इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है बच्चों, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है. तो एंटी मार्कोनिक ऑफ ने क्या बोला था? अटैकिंग रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर ऐड होगा जिसमें मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे. तो मुझे एक बात बताओ, कौन से केस में आपको ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन लग रहे हैं? यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे जीरो है. तो आपका नेगेटिव पार्ट कहाँ पे ऐड होगा भी? जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे. तो OD ऐड हो गया इधर. अगर OD ऐड हो गया इधर तो आपका जो भी H था वो हो जाएगा ऐड इधर. तो आपके पास क्या बन गया? H और OD. ठीक है, H और OD. ठीक है, क्लियर है बात? फ्री कार्बोकैटायन का मतलब क्या होता है? फ्री का मतलब होता है जैसे हमने इस तरह का केस अपने को मिले थे. दो तरह के कार्बोकैटायन है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता था.
एक देखिए ये आपके पास इस तरह से बना, तो ये बिल्कुल फ्री कार्बोकैटायन है, लेकिन इसको हम क्लासिकल कार्बोकैटायन भी बोलते हैं। किसका कैसा कार्बोकैटायन? क्लासिकल कार्बोकैटायन। लेकिन ये जो साइक्लिक कार्बोकैटायन होते हैं, जैसे अभी हमने बनाया था CH3CH एंड यहाँ पे मान लीजिए CH2, और ऐसा कोई साइक्लिक रिंग हम लोगों ने यहाँ पे बना दी HG, जैसे अभी हमने बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये HG के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो डेल प्लस इधर आएगा, डेल प्लस इधर भी आएगा। तो ये जो कार्बोकैटायन होगा यहाँ पे फ्री चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन इनको बोलते हैं। ये जो साइक्लिक कार्बोकैटायन या नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन होते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बोला जाता है इनको। तो ऐसे कार्बोकैटायन को हम यहाँ पे फ्री कार्बोकैटायन नहीं बोलते, ऐसे कार्बोकैटायन को हम यहाँ पे फ्री कार्बोकैटायन बोलते हैं जहां पे पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से एटम के ऊपर, एक एटम के ऊपर हो। यहाँ पे आधा पॉजिटिव चार्ज इधर होगा, आधा पॉजिटिव चार्ज इधर होगा, तो इस तरह के कार्बोकैटायन को हम क्या बोलते हैं कि वो फ्री कार्बोकैटायन नहीं है, या साइक्लिक कार्बोकैटायन है, या नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है। ठीक है भाई, क्लियर है बात? ठीक है सर। चलिए फिर नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। फोर्थ मेथड है फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। इसके ऊपर लिख लेना, दिस ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट केस। यहां से एवरी ईयर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, ओजोनोलिसिस, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, E2 एलिमिनेशन, SN2, SN1, यहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं। अभी मैं आज आप लोगों को जो जेई मेन का अटेम्प्ट चल रहा है अभी, मैं आज आप लोगों को पेपर भेजने वाला हूं जो अभी एक दो दिन पहले हुआ है, उसमें देखना मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे भी, पी ब्लॉक के भी जो जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़े हैं, और ऑर्गेनिक के भी आज शाम को मैं भेजता हूं आप लोगों को। तो नेक्स्ट लिखिए फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्या फॉर्मूला होता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट का? RMgX। कैसा कंपाउंड होता है बच्चों? क्या ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड होता है क्या अभी? या इसको हमने एक और नाम दिया था भाई, इन ऐसे कंपाउंड को जिनमें मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होता है, वैसे कंपाउंड को हम क्या बोलते थे? ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो का मतलब क्या होता है बच्चों? कार्बन, ठीक है। मेटैलिक का मतलब क्या हो गया? मेटल। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होता है, उस तरह के कंपाउंड को क्या बोला जाता है भाई? ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड। अब ये जो एल्काइल ग्रुप है आपका, ये आपका CH3, C2H5, ठीक है, C3H7, इसी तरह बच्चों ये एरोमेटिक भी हो सकता है, फिनाइल भी तो हो सकता है, ठीक है, फिनाइल भी तो हो सकता है, ठीक है, क्लियर है भाई? तो बनाते कैसे थे हम ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड, कोई मुझे बता सकता है? हाउ टू प्रिपेयर दिस ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड, एल्काइल हैलाइड, ये ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड ग्रिगनार्ड रिएजेंट कैसे बनाएंगे भाई हम लोग? RX, और इसको हम किसके साथ रिएक्ट करते थे? Mg के साथ। कौन सा सॉल्वेंट रखना पड़ता था इधर? ड्राई इथर रखना पड़ता था, ड्राई इथर। ड्राई का मतलब क्या है? जिसमें बिल्कुल 1% एक भी बूंद पानी का ना हो, क्योंकि अगर इसको ग्रिगनार्ड रिएजेंट को कहीं से पानी मिल गया तो ये क्या कर देगा? एल्केन बना देगा भाई। बनाएगा कि नहीं बनाएगा बोलो, है भाई? ग्रिगनार्ड रिएजेंट को अगर कहीं से पानी मिल जाएगा तो ये क्या कर देगा? यहां से ये अपनी बेसिसिटी प्रॉपर्टी का यूज करेगा, इस प्रोटॉन को यहां से खा जाएगा, तो किस चीज का फॉर्मेशन कर देगा?
अभी किस चीज का फॉर्मेशन कर देगा? एल्केन। एल्केन का फॉर्मेशन करेगा कि नहीं करेगा बोलो, ये बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अरे भाई बनाएगा कि नहीं बनाएगा, मेरी आवाज आ रही है क्या? ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे कौन सा सॉल्वेंट लेते हैं भाई? ड्राई ईथर। तो क्या हो जाता है बच्चों, ये मैग्नीशियम इस एल्काइल हैलाइड, इस एल्काइल ग्रुप और एक्स के बीच में इंसर्ट हो जाता है, और ऐसे रिएक्शन को क्या बोला जाता है भाई? इंसर्शन रिएक्शन। ठीक है, सैंडविच खाते हैं ना भाई, बर्गर, तो उसके बीच में क्या होता है, वो भी एक कैसा कंपाउंड है? इंसर्शन रिएक्शन ही हो गया एक तरह से। फेरोसिन का एग्जाम्पल इंसर्शन रिएक्शन में सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, पढ़ेंगे हम अभी अपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो क्या बन जाएगा इधर? आर एम जी एक्स। ये जो R और Mg के बीच में बॉन्ड होता है बच्चों, ये कैसा बॉन्ड होता है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और ये जो Mg और X के बीच में बॉन्ड होता है, ये कैसा बॉन्ड होता है? आयनिक, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है और आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर हम यहां पे बात करें, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर हम यहां पे बात करें, दिस आर एम जी एक्स, दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो बच्चों इस यहां पे जो अटैकिंग रिएजेंट होता है आपका कौन होता है भी? बोलो, अटैकिंग रिएजेंट कौन होता है यहां पे? देखना भाई जल्द बताओ, जल्दी से, अटैकिंग रिएजेंट कौन होता है? दिस एल्काइल पार्ट, यही होता है क्या? एल्काइल कार्बेनाइन, यही होता है क्या? बोलो, यही होता है क्या? यास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अटैकिंग रिएजेंट क्या R माइनस भी R माइनस ही होता है? बिल्कुल सही बात है, R माइनस ही यहां पे अटैकिंग रिएजेंट होता है। तो R माइनस मतलब ये बेस की तरह भी काम कर सकता है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है बोलो? एक अच्छा बेस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है कि नहीं होता है? यस सर। ठीक है, एक अच्छा बेस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, बिल्कुल होता है। तो ये बेस की तरह भी काम करेगा और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करेगा। जब बच्चों ये बेस की तरह काम करेगा तो इसका काम क्या होगा? एसिडिक प्रोटोन को खा जाना, यही करेगा भाई। बोलो, जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो इट विल अटैक एट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, अटैक एट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर समझते हैं भाई? ये ऐसा सेंटर होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, डेफिशिएंसी या एफिशिएंसी? डेफिशिएंसी। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मतलब ऐसा सेंटर जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वैसे सेंटर को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्या ये बात यहां तक समझ आई सब बच्चों को? है भी? बोलिए जल्दी से। yes. ठीक है, तो yes. यहां पे सबको समझ आया? तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसके जनरली हम फोर टाइप के रिएक्शन देखते हैं भाई। कौन कौन से रिएक्शन? मैं यहां पे तो मैं सिर्फ दो ही रिएक्शन डिस्कस करूंगा, एक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से रिएक्शन देखने को मिलेंगे आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सेकेंड एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, फोर्थ कौन सा रिएक्शन देता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका?
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2। न्यूक्लियोफिलिक हमने देखा था वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जनरली 4 टाइप के रिएक्शन देता है। ये दो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इन दो की हेल्प हम लेंगे यहाँ पे अल्कोहल बनाने के लिए। इन दो रिएक्शन की हम हेल्प लेंगे यहाँ पे अल्कोहल बनाने के लिए। क्या ये बात यहां तक समझ आई आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, तो हम कौन कौन से रिएक्शन की हेल्प लेंगे यहाँ पे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन की हेल्प लेंगे हम ये अल्कोहल बनाने के लिए। तो आइए पहले रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। हेडिंग आप लोगों ने ऊपर डाल दी है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की हम यहाँ पे हेल्प लेने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल आपका कार्बोनिल कंपाउंड होगा, भी एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, एसिड हो सकता है, एसिड डेरिवेटिव हो सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। मैं एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं, पहले मेरे पास है RCOR। कौन सा कंपाउंड ले लिया मैंने भाई? कीटोन। इस कीटोन का रिएक्शन बच्चों मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ इथर। तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। ये किसकी तरह काम करेगा यहां पे? न्यूक्लियोफाइल की तरह। देखते जाना, ये जो कार्बोनिल है बच्चों, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन और ऑक्सीजन में? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस साइड रहेगा? कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ। तो इसके ऊपर आएगा डेल माइनस चार्ज, इसके ऊपर आएगा डेल प्लस चार्ज। तो क्या हम इस कार्बन को यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोल देंगे? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलो। है भाई, क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है? तो ये है बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इसने अटैक करा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बनके, ये नेगेटिव चार्ज मूव कर गया आगे, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो आपके पास क्या बन गया? RCO यहां पे आ गया आपके पास। R, एक R पहले से ही था नेगेटिव, और यहां पे क्या आ गया? MgX, पॉजिटिव नेगेटिव। फर्स्ट स्टेप सबको समझ आया? इसने न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। तो आपके पास ये R ग्रुप इस कार्बन से जुड़ गया इधर, इसको अगर आप R डैश लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, इधर R डैश लो इसको, ठीक है। और ये पाई बॉन्ड पूरी तरह ऑक्सीजन के ऊपर मूव कर गया, तो आपके पास ये कंडीशन बन गई। यहां तक सबको समझ आया? यस सर। ठीक है, यस सर। आइए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे पानी ऐड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे पानी ऐड करते हैं। तो आइए देखते हैं, दिस इज R CO, this is MgX, negative, positive, negative, this is R dash and this is R. तो हमने क्या करा बच्चों, यहाँ पे वाटर हाइड्रोलिसिस कर दिया इसका। सेकेंड स्टेप में अपने को हाइड्रोलिसिस करना ही करना है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे, फर्स्ट स्टेप में इनर्ट सॉल्वेंट लेंगे, नहीं तो पहले ही एल्केन बन जाएगा और ये कंपाउंड हम बना ही नहीं पाएंगे। तो कैसे? ये H, ये OH, ये ऐसे काट दो इसको यहां से। तो ये बन गया आपके पास RCOH, दिस इज R, R डैश प्लस, प्लस क्या बन गया मेरे पास? MgXOH। क्या ये बात समझ आई भाई आप लोगों को? Yes, ठीक है, तो मेरे पास बन गया बच्चों यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल। कितना डिग्री अल्कोहल बन गया? 3 डिग्री अल्कोहल। तो एक पॉइंट ध्यान से सुन लेना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब हम एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे अपने को 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल सभी मिलेंगे। समझ आया सबको? भी तो मैं आप लोगों को, टाइम हो चुका है, आप लोग नोट बना लेना इसको और घर में प्रैक्टिस करना। फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन, जब मैंने
CH3 MgVr के साथ करा इन द प्रेजेंस ऑफ THF या इथर करो और हाइड्रोलिसिस कराया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? एसिटाइलडिहाइड का भी बना लेना और एसीटोन का भी बनाना और मुझे भेज सकते हैं आप लोग, ठीक है सर? बैक स्लाइड टाइम हो गया बच्चों, तो जिसको भी स्लाइड देखना है देख लो जल्दी से, मेरी दूसरी जगह क्लास है। ये स्लाइड चाहिए क्या? है भाई? यस सर। तो लिखो इसको जल्दी से। हो गया क्या? स्नैपशॉट ले लो भाई जल्दी से, ठीक है? तो मिलते हैं कल, जो भी आपका टेस्ट होगा उसको अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट सबको। Bye.